इजिप्ट की वैली ऑफ द किंग्स में से जब इजिप्शियन किंग टूटनखामून का खजाने से भरा टूम डिस्कवर किया गया तो इस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। 26 फीट पहाड़ के अंदर छुपा हुआ ये टूम 3000 सालों में पहली बार खोला गया था, जिसके अंदर लातादाद खजाने और किंग टूटनखामून की ममी भी मौजूद थी। इस टूम में से मिलने वाला सोना बिल्कुल प्योर था और इसका टोटल वजन 1,03,000 तोला सोने के बराबर था, जो तकरीबन एक टोयोटा गाड़ी के वजन के बराबर बनता है। वैसे तो इस टूम से मिलने वाला तमाम खजाना और गोल्ड प्राइसलेस है, लेकिन अगर एक एस्टीमेट लगाया भी जाए तो आज के दौर में इसकी कीमत 5.5 अरब रुपयों के बराबर है। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, ये टूम डिस्कवर होने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ये देखकर परेशान थे कि आज के मॉडर्न दौर में भी इतना ज्यादा सोना पहाड़ों से ढूंढने और निकालने में एक माइनिंग कंपनी को कम से कम भी 10 साल लग जाते हैं। तो आखिर 3000 साल पहले, जब ना ही कोई मशीनरी थी और ना ही कोई टेक्नोलॉजी, तब एंशियंट इजिप्शियंस ने ये सोना निकाला तो आखिर कैसे और कहां से? फ्रेंच गोल्ड एक्सपर्ट थॉमस फॉशर अपनी टीम के साथ इस मुश्किल तरीन चैलेंज का राज जानने के लिए मैदान में उतर आए। सबसे पहले थॉमस ने मिलने वाले सोने को कई सालों तक अच्छी तरह स्टडी किया और उसकी कॉम्पोजिशन मुख्तलिफ जगहों से निकलने वाले गोल्ड से कंपेयर की। कई सालों के बाद आखिरकार थॉमस और उसकी टीम को ये तो मालूम पड़ चुका था कि टूटनखामून की टूम्ब से मिलने वाला सोना भी किंग्स वैली के आसपास के पहाड़ों से ही निकाला गया था। अब चैलेंज था वो पहाड़ ढूंढने का जहां से एंशियंट माइनर्स इतना ज्यादा सोना निकालते थे, लेकिन ये टास्क कोई हल्का फुल्का टास्क नहीं था। किंग्स वैली के गिर्द हजारों पहाड़ मौजूद हैं और ये जानना कि सोना कौन से पहाड़ से निकाला जाता था, ये वाकई एक इंतहाई मुश्किल तरीन काम था। फ्रेंच गोल्ड एक्सपर्ट थॉमस फॉशर अपने एक आर्कियोलॉजिस्ट दोस्त के साथ मिलकर किंग्स वैली से 80 किलोमीटर दूर एक सहरा में पहुंच गया, क्योंकि इस डेजर्ट में कई ऐसे पत्थर मौजूद हैं जिनके अंदर सोने के जर्रात छुपे हैं। इसी वजह से उनका मानना था कि अगर टूटनखामून की टूम से मिलने वाला सोना भी इसी डेजर्ट से निकाला गया था तो यहाँ माइनिंग ऑपरेशन के कोई न कोई निशानात जरूर मिलेंगे। ये सहरा 1,36,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, जहाँ गर्मी और पानी की शॉर्टेज की वजह से जिंदगी ना होने के बराबर है। थॉमस का मानना था कि इतना ज्यादा सोना अगर इसी सहरा के किसी पहाड़ से निकाला गया होगा तो जाहिर है उसमें काफी ज्यादा मैन पावर भी लगी होगी। थॉमस और उसका साथी इसी खोज में सहरा के अंदर जाते रहे। इस बंजर सहरा में कई घंटों तक सफर करने के बाद काफी अंदर जाकर उनको पहाड़ के नीचे एक अजीब मंजर देखने को मिला। करीब जाकर मालूम पड़ा कि ये एक कदीम जमाने का कुआं था जो पूरी तरह से खुश्क पड़ा हुआ था। ये बात तो जाहिर थी कि ये कुआं किसी दौर में यहाँ से गुजरने वाले काफलों को पानी फराहम करता था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे यहाँ कुछ और भी था जो इस कुएं से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। जी हाँ, थॉमस और उसके साथी को यहाँ एक पुराना कमरा भी बना हुआ दिखा जो अंदर से एक इबादतगाह का मंजर पेश कर रहा था। इस कमरे की दीवारों और छत पर काफी मेहनत से पत्थरों पर कार्विंग करके पेंटिंग्स बनाई गई थी। जब इस आर्ट वर्क को गौर से देखा गया तो इसमें एक ऐसा राज छुपा था जिसको देखकर यकीन करना मुश्किल था। थॉमस के साथ आया दोस्त, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट था, उसने बताया कि इस पेंटिंग में वही राज छुपा है जिसकी तलाश में हम लोग निकले हैं। पेंटिंग में जाहिर था कि सहरा में बना ये कुआं और रेस्ट रूम इस सहरा का सबसे पहला स्टॉप है, जहां पर एंशियंट गोल्ड माइनर्स आराम करने के लिए रुकते थे। एंशियंट इंजीनियर्स ने गोल्ड माइन तक जाने के लिए कुओं और रेस्ट एरियाज का एक नेटवर्क बनाया हुआ था। एक अंदाजे के मुताबिक हर एक रेस्ट एरिया 70 से 80 किलोमीटर के फासले पर बना हुआ है और एक रेस्ट एरिया से दूसरे तक पहुंचने के लिए माइनर्स की टीम को कई दिन लग जाते होंगे। जहां इस रेस्ट एरिया से मिलने वाली इंफॉर्मेशन से थॉमस और उसका साथी बहुत खुश भी हुए, वहीं दूसरी तरफ उनको ये भी मालूम पड़ गया था कि ऐसे कई स्टॉप्स तक उनको आगे मजीद ट्रेवल करना है, क्योंकि जिस मंजिल तक पहुंचने के लिए थॉमस कई सालों से इंतजार कर रहा था और वो मंजिल अब बहुत ज्यादा करीब दिख रही थी, इसी वजह से उन्होंने सहरा की गहराई में जाने का फैसला किया। बंजर सहरा में एक के बाद दूसरा रेस्ट एरिया आता गया, लेकिन गोल्ड माइन जैसी कोई चीज नजर नहीं आई।
आखिरकार पूरे दो दिनों के बाद थॉमस को एक पहाड़ के किनारे पड़े ढेर सारे पत्थर दिखाई दिए। देखने में तो ये एक नॉर्मल सीन था, लेकिन थॉमस का मानना था कि ये जगह एंशियंट गोल्ड माइनर्स का कैंप लगती है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जी हाँ, इस जगह पर पत्थरों से बने कुछ ऐसे टूल्स मिले जिनकी मदद से पत्थरों को तोड़कर उनके अंदर से सोना निकाला जाता था। ये पत्थर जो दिखने में एक नॉर्मल पत्थर लगता है, इसको इस टूल की मदद से तोड़कर क्रश किया जाता था और फिर उस क्रश में से सोने के जर्रात अलग किए जाते थे। जब इस जगह मजीद सर्चिंग की गई तो यहाँ गोल्ड माइनिंग के कई टूल्स जमीन पर पड़े दिखाई दिए। क्योंकि थॉमस को एंशियंट गोल्ड माइनिंग टेक्निक्स के बारे में काफी ज्यादा जानकारी थी, इसी वजह से उसका मानना था कि एंशियंट माइनर्स इन पहाड़ों को खोद खोद कर इनमें टनल्स बनाते थे। इन टनल्स में खास किस्म के पत्थर ढूंढकर उनको इस माइनिंग कैंप में लाया जाता था जहां वो इस वक्त मौजूद हैं। माइनिंग कैंप में मौजूद माइनर्स की दूसरी टीम इन पत्थरों को क्रश करके इनमें से सोना निकालती थी और फिर वो सोना किंग्स वैली में भेजा जाता था। थॉमस को एक एंशियंट गोल्ड माइनिंग कैंप तो मिल चुका था, लेकिन अफसोस इस बात का था कि जिन टनल्स की वो बात कर रहा था ऐसा एक भी टनल उसको दिखाई नहीं दिया। शायद हजारों साल पहले खोदे गए टनल्स कमजोर थे और अर्थक्वेक्स की वजह से कोलैप्स हो चुके थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि गोल्ड माइनिंग का ये तरीका बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर उस दौर में 100 लोग एक हफ्ते तक गोल्ड माइनिंग का काम करते होंगे तो उसमें से वो सिर्फ एक स्पून गोल्ड का इकट्ठा कर सकते होंगे। यानी ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि टूटनखामोन की टूम से मिलने वाला गोल्ड माइन करने में हजारों एंशियंट माइनर्स एक ही वक्त में काम करते थे, लेकिन फिर भी उनको ये टास्क कंप्लीट करने में कई साल लगे होंगे। माइन किया गया सोना छोटे छोटे जर्रात की फॉर्म में किंग्स वैली में भेजा जाता था, जहां पर एक अलग टीम उनको मुख्तलिफ शेप्स में डालती थी, जिसमें टूटनखामोन का डेथ मास्क, कॉफिन, स्टैचूज, ज्वेलरी, चेयर्स और गोल्ड चैरियट भी शामिल था। 1922 में जब हॉवर्ड कार्टर ने ये टूम डिस्कवर किया था, तब उसमें 5000 मुख्तलिफ किस्म की चीजें मौजूद थीं। इन तमाम चीजों का कैटलॉग बनाने में ही ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट को पूरे 10 साल लग गए थे। उम्मीद है ZMTV की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कॉमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।